बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज से फील्ड में जाएगी बीजेपी विधायकों की टीम। सभी 230 एमएलए को सौंपी गई है अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी। 7 दिनों तक जनता की नब्ज टटोलेंगे दूसरे राज्यों के विधायक। कल सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई थी। विधायकों सही जमीनी रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां आज से फील्ड में विधायकों की टीम जाएगी जो कि दूसरे राज्य से एमपी में बुलाए गए हैं। सभी 230 एमएलए को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और इसको लेकर कल ट्रेनिंग दे दी गई थी। 7 दिनों तक जनता की नब्ज टटोलेंगे दूसरे राज्यों के विधायक। बता दें कि कल सभी विधायकों को इसको लेकर ट्रेनिंग दे दी गई थी। तो विधायकों को सही जमीन रिपोर्ट बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, दूसरे राज्यों से, करीब 7 राज्यों से 230 एमएलए को एमपी बुलाया गया है। कल ट्रेनिंग दी गई, लेकिन आज जनता के बीच उतरेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे। बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो तमाम 230 विधानसभा है मध्य प्रदेश में, और 230 विधायकों को चुना गया था 4 राज्य से, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार से। यहाँ से जो संगठन में माहिर है और इसके इससे ज्यादा के चुनाव कैसे जीता जाए, जमीन की रिपोर्ट कैसे ली जाए, इन तमाम जितने भी विधायक माहिर थे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। बकायदा कल एक निजी रिसोर्ट में उनकी ट्रेनिंग हुई, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिन जिनको जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में चुनाव को लिहाज से दी गई है, उन्होंने उनको संबोधित करा, उनको समझाया कि किस तरीके से आपको फील्ड पर जाना है, काम करना है। कल ट्रेनिंग दी गई, आज ये तमाम जितने भी विधायक हैं वो फील्ड पर उतरेंगे और अगले 7 दिन तक वो अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, अपनी विधानसभा जहां जिसको प्रभार दिया है नब्ज टटोलते हुए नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे, इसके साथ साथ पदाधिकारी। लेकिन सबसे ज्यादा निर्देश दिए गए ये दिए गए हैं कि जनता के बीच जाए, इसके साथ साथ जो इलाके का प्रबुद्ध व्यक्ति है, जिसका दबाव है, जिसको ये जानकारी रहती है कि क्या स्थिति चल रही है, उससे मुलाकात करें। और ये मुलाकात करने के बाद, एक पूरी तरीके से 7 दिन के प्रवास करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद सीधे निर्देश दिए गए हैं कि अमित शाह को सौंपा जाए। 27 तारीख के आसपास बताया जा रहा, 27 अगस्त को ये तमाम 230 विधायकों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। और इसके साथ साथ ये भी कल कहा गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अलीशा, के सभी विधायकों को, जो बाहरी बीजेपी के विधायक है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, दबाव में नहीं आना है। जो सच्चाई है, जो जमीनी रिपोर्ट है, अगर कहीं किसी की गड़बड़ रिपोर्ट है, कहीं अच्छी रिपोर्ट है, तो वही की वही रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी जाए, आलाकमान को सौंपी जाए, कहीं पर भी किसी भी तरीके के उसके अंदर मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए।